आप सभी का स्वागत करता हूं माई नेट के खास कार्यक्रम कृषि ज्ञान में। आज के अंक में हमारे साथ हमारे विषयवाद विशेषज्ञ डॉक्टर रामकृष्ण चौहान जी हैं। डॉक्टर साहब आपका स्वागत है माई नेट के इस अंक में। डॉक्टर साहब आज हम आपसे जानना चाहेंगे ओगला फाफड़ा या ओगला कुडू जिसको बोलते हैं, जो औषधीय पौधा है पर्वतीय क्षेत्रों का, उसके बारे में हमारे किसान भाइयों को जानकारी दें। ओगला फाफड़ा इसको बकव्हीट भी बोलते हैं और इसका जो वैज्ञानिक नाम है फ्रेगोपायरम एस्कुलेंटम और फ्रेगोपायरम टार्टेरिकम, दो प्रकार के होते हैं। टार्टेरिकम को फाफड़ा बोलते हैं और इसको एस्कुलेंटम को ओगला या कुडू भी बोलते हैं जी। तो ये जो है लगभग 2000 मीटर की ऊंचाई में जो इसकी खेती की जाती है और इसके भी बहुत ही औषधीय गुण होते हैं और ये इसमें ग्लोबुलिन नाम का प्रोटीन होता है जो 74% होता है। ये जो है पाचन प्रणाली को जो है सुचारू करता है और पाचन प्रक्रिया को जो तेज़ करता है और इसमें प्रोटीन की मात्रा जो है 10-15% होती है जी। डॉक्टर साहब इस ओगला फाफड़ा के विषय में जो हमें जानकारी मिली है कि इसमें औषधीय गुण भी बहुत हैं, शरीर में होने वाली विभिन्न रोगों के इलाज में इसका प्रयोग होता है ऐसा सुना है हमने, क्या इस बारे में आप हमारे ज्ञान को थोड़ा सा बढ़ाने में सहयोग करेंगे? इसमें एक रूटीन नाम का पदार्थ होता है जो कि सारी प्रक्रियाएं जो शरीर में चल रही होती हैं उनको एक इसमें रूटीन में चला लेता है जी। कहीं भी कोई अवरोध होगा या कुछ दूसरी समस्याएं होंगी उसको ठीक करेगा और इसके साथ इसमें विटामिन भी काफ़ी मात्रा में होते हैं और इसमें विटामिन B1 और B2 होते हैं जो बी कॉम्प्लेक्स जिसको बोलते हैं। इसमें B1 जो है जो नर्वस सिस्टम को सुचारू रूप से चलाता है और जी कोई जो हेमरेज होती है या कोई वास्कुलर डिसऑर्डर होता है उसको जो है ये रूटीन जो है उसको ठीक करता है और इसके साथ ये डायबिटीज़ का भी जो है के इलाज के लिए भी इसको प्रयोग में लाया जा सकता है और जो फ्री रेडिकल जो शरीर में घूम रहे होते हैं उनको ये निष्कासित करने में शरीर की मदद करता है। इसी तरह से इसमें BP वगैरह जो है नहीं होता है क्योंकि जो कोलेस्ट्रॉल का जो मात्रा को नियंत्रित करता है। इस पौधे की फार्मिंग करने के बारे में आप हमारे किसान बंधुओं को कुछ जानकारी दें और अगर उन्हें इस बारे में कोई सहायता चाहिए तो कहाँ से लें? इसके बारे में कोई अगर तकनीकी आपको कोई जानकारी लेनी हो या कोई बीज वगैरह का अगर उपलब्धता बीज वगैरह चाहिए हो तो आप कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर में जो संपर्क कर सकते हैं और वैसे भी जो दूर दराज के क्षेत्र हैं वहाँ इसका बीज आसानी से मिल जाता है और वो उगाने के लिए वही है कि इसमें कोई ज़्यादा अधिक मेहनत वगैरह इसकी आवश्यकता नहीं होती है तो जंगलों में कि जहाँ जो है जो इलाके इंसान ने छोड़ दिए होते हैं या कोई झाड़ी वगैरह होती है उस सड़क के किनारों में भी देखा गया है कि ये अपने आप जो है उगता है। उगाने में इसको कोई ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है और आसानी से उग जाता है। डॉक्टर साहब जो फाफड़ा है उसका कंपैरिजन आपने हमें बताया था कि आपने इसका कंपैरिजन का टेबल भी बनाया है, उस टेबल के बारे में बताएं जो क्या बोलते हैं आपने शायद मक्की और गेहूं के साथ इसका कंपैरिजन आपने किया है। जी इसमें जो मक्की है उसमें इसमें फाफड़ा में जो है जैसे पोटासियम है, फास्फोरस है, मैग्नीशियम है, ये जो है इसमें मक्की के जैसे हमारी गेहूँ है गेहूँ और मक्का में इनकी मात्रा बहुत कम होती है। जैसे इसमें ये आप ले लो मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम जो है मक्का में जो है मक्का और इसमें गेहूँ में
मक्का में 124 mg पर 100 ग्राम होती है और गेहूं में तो बहुत कम होती है 20, जबकि इसमें जो 250 mg होती है फाफड़ा में। और जैसे आपको पता है कि मैग्नीशियम पोटासियम वगैरह ये जो है एक उत्प्रेरक का काम करते हैं, और मैग्नीशियम तो ये बहुत सारी उत्प्रेरक होता है जो बहुत सारे जो है अपद्रव्य को जो बाहर निकालता है, और जो एक विद्युत तरंगे होती हैं उनको विद्युत, एक किस्म की विद्युत होती है जिसमें हार्ट बीट जो है, जो हमारा हार्ट काम करता है, हृदय जो काम करता है, एक तरंग होती है तो उसको जो है सक्रिय करता है, और अपद्रव्य ना होने की वजह खून को भी साफ करने में बहुत सहायता करता है। जी डॉक्टर साहब, तो किसान बंधु, आपने ओगला फाफड़ा के बारे में जानकारी ली, मुझे उम्मीद है कि आप इसका हार्वेस्टिंग करेंगे, आप इसकी फार्मिंग करेंगे और इसका लाभ उठाएंगे। नमस्कार, मिलते हैं अगले अंक में।